नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन ऐलान से हैरान हुई बीजेपी की, जेडीयू में हुई बड़ी बगावत की, इलेक्टोरल बॉन्ड पर फंसती बीजेपी की बात करेंगे, चिराग पासवान को बीजेपी के बड़े झटके की, जानेंगे लोकसभा चुनाव में राजस्थान को लेकर क्या है कारण की रणनीति, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश की। इसके और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कैश फॉर क्योरी केस में सीबीआई की एफआईआर, टीएमसी नेता महुआ मोहित्रा और व्यवसायी दर्शन हीरा नंदानी को बनाया गया आरोपी। जम्मू कश्मीर के लिथियम भंडार की होगी नीलामी, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर आरोप, इन्हें लूट कर कंपनियों को तोहफे में दिया जाएगा। कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता बीएस येदुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज, चित्रदुर्ग में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लगे आरोप। भारत बायोटेक की बड़ी उपलब्धि, भारत में वयस्कों पर टीबी वैक्सीन MTBVAC का क्लिनिक ट्रायल हुआ शुरू। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव के समय केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता के चलते बीजेपी पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जनता के मन में भी सवाल उठने लगे हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ इंडिया ने भी अब बीजेपी को घेरने के लिए दिल्ली में महारैली का ऐलान कर दिया है। तो कब होगी ये रैली, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में एक मेगा रैली करने का ऐलान किया है। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ पहले से ही देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं और आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसके बाद आप और कांग्रेस के नेताओं ने मीडिया के सामने आकर ऐलान किया है कि केंद्र के खिलाफ दिल्ली में महारैली होगी। ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को होगी। आप नेताओं ने कहा कि देश के अंदर जिस तरह प्रधानमंत्री तानाशाही रवैया अपनाते हुए देश में लोकतंत्र की हत्या कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, उससे देश में संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले लोगों के दिलों में आक्रोश है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, बल्कि सभी विपक्षी पार्टियों की बात है। देश में एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री एजेंसी का इस्तेमाल करके विधायक खरीद कर, विपक्ष को खरीद कर फर्जी मुकदमे कर गिरफ्तारी की साजिश कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक इंडिया गठबंधन के नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही आपके मंत्री ने चुनावी चंदे पर भी विपक्ष पर हमला बोला है। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में जारी लिस्ट में 60 करोड़ का मनी ट्रेल सामने आया है, बीजेपी वाले चुप क्यों हैं? आज देश अगर चुप रहा तो कौन आवाज उठाएगा? वहीं कांग्रेस नेता हरविंदर सिंह लवली ने देश के नौजवानों से अपील की है कि इस लड़ाई से जुड़े। इंडिया की रैली के ऐलान से बीजेपी पहले से ही परेशान दिखाई दे रही थी, तो अब उसके सहयोगी दलों में हुई बगावत ने उसकी परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बिहार में इंडिया को रोकने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में किया था, लेकिन बीजेपी को जेडीयू से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उल्टा जेडीयू में ही बगावत के हालात ने एनडीए को कमजोर बना दिया है। तो अब किस नेता ने छोड़ा जेडीयू, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जोरदार झटका लगा है। पार्टी से एक के बाद एक विधायकों के इस्तीफे की झड़ी लग गई है। एक दिन में पार्टी को 3 झटके मिले हैं। बीते दिन शनिवार को पहले 2 पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद वरिष्ठ विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया। पार्टी को सबसे बड़ा झटका पूर्णिया के रुपौली से विधायक बीमा भारती के इस्तीफे से लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री रह चुकी बीमा भारती ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी की सदस्यता भी ले ली। इसके पहले 2 पूर्व विधायक फराज फातमी और रामनिवास प्रसाद के इस्तीफे ने भी जेडीयू में हड़कंप मचा दिया है। इस बीच 2 और विधायक पाला बदलने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पलटी मार ली थी, वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। इसके बाद से ही जेडीयू में बगावत के हालात बने हुए हैं। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश और जेडीयू पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, और ऐसे में जेडीयू के विधायक के पाला बदलने से नीतीश कुमार लगातार कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान एक के बाद एक मिलते ये झटके नीतीश कुमार के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, और अब ऐसे में क्या कदम उठाएंगे नीतीश कुमार, कैसे संभालेंगे अपनी पार्टी की बिखरती कमान को, ये देखने वाली बात होगी।
जेडीयू की कमजोरी ने बिहार में बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर रोज हो रहे खुलासे ने बीजेपी को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। और अब जो खुलासा हुआ है उससे सामने ये आ रहा है कि बीजेपी ईडी के जरिए चंदा ही नहीं बटोर रही थी, बल्कि विपक्षी दलों के चंदे में भी सेंधमारी हो रही थी। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में मचे सियासी घमासान में अब बीजेपी भी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जारी किए गए डेटा के जरिए हुए खुलासे में बीजेपी पर पहले से ही सवाल खड़े हो गए थे और अब शरद चंद्र रेड्डी के साथ बीजेपी के कनेक्शन को लेकर आरोप गंभीर हो गए हैं। दरअसल शरद चंद्र रेड्डी अरबिंदो फार्मा के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ये एपीएल हेल्थ केयर जैसी फार्मा कंपनियां भी चलाते हैं। नवंबर 2022 उन्होंने बयान दिया था कि मैं अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला हूँ, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। और बयान देने के अगले ही दिन यानी 10 नवंबर 2022 को वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा से पता चलता है कि 15 नवंबर 2022 को अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। 21 नवंबर 2022 को बीजेपी ने यह रकम भी भुना ली। उसके बाद रेड्डी ने 25 अप्रैल 2023 को ईडी के पास एक बयान दर्ज कराया और 1 जून 2023 को एक विशेष अदालत ने उन्हें मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी। इस बार उन्होंने कहा कि उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की थी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब उत्पाद नीति शुल्क मामले में किंग पिन और मुख्य साजिशकर्ता है। मामले में बयान दर्ज करने के कुछ ही महीनों बाद अरविंदो फार्मा ने 8 नवंबर 2023 को 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। बाद में इन सभी बॉन्ड को 17 नवंबर 2023 को भाजपा द्वारा भुनाया गया। अब मामले में बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि रेड्डी की गिरफ्तारी के पहले अरविंदो फार्मा ने 3 दलों को चंदा दिया था, बीआरएस, टीडीपी और बीजेपी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद सारा चंदा केवल एक ही पार्टी को दिया गया है यानी बीजेपी, जिसके बाद से बीजेपी पर आरोपों की कड़ी और मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिन आप मंत्री आतिशी ने मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गिरफ्तारी की मांग की थी और अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी अपने ही नेता को गिरफ्तार होने देगी। विपक्ष का दावा है कि ईडी के जरिए बीजेपी ने चंदा लिया और विपक्ष को मिलने वाले चंदे को रोक दिया। विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश में तो बीजेपी लगातार जुटी हुई है, साथ ही वो अपने सहयोगियों को भी कमजोर कर रही है। बिहार में बीजेपी ने एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी को करारा झटका दिया है। लोकसभा की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही बिहार में नेता दल बदलने में लगे हुए हैं, लेकिन इस समय दल कोई और नहीं बल्कि एनडीए में शामिल वो पार्टियां हैं जिन्हें बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन से लड़ने के लिए एनडीए में शामिल किया था, लेकिन अब बीजेपी उन्हीं दलों के नेताओं में फूट डालकर उन्हें बीजेपी में शामिल कर रही है। दरअसल चिराग पासवान की एलजेपीआर के प्रदेश महासचिव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शनिवार को आयोजित हुई भाजपा के कार्यालय में मिलन समारोह में एलजेपीआर के प्रदेश महासचिव राजीव ठाकुर और मुखिया श्रवण ठाकुर अपने सैकड़ों समर्थक के साथ बीजेपी में शामिल हुए, जिसकी सदस्यता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिलाई। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद राजीव ठाकुर ने कहा कि एलजेपीआर में जाना उनकी गलती थी तो बीजेपी में जाने को घर वापसी बताया। ठाकुर के बयान से चिराग पासवान भी हैरान है और उससे ज्यादा हैरानी तो इस बात के लिए हो रही है कि उनकी पार्टी में सेंधमारी बीजेपी ने की है, जिसके साथ मिलकर वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी एनडीए में बिहार की पार्टियों को एनडीए में शामिल कर दूसरी पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बिहार में बीजेपी अपने सहयोगियों को कमजोर कर रही है तो कांग्रेस अपने साथ नए सहयोगियों को जोड़ने में लगी हुई है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी तो की, तो ये साफ भी कर दिया कि अब इंडिया में राजस्थान की एक पार्टी और शामिल हो गई है। तो किसे मिली है इंडिया में जगह और कैसे राजस्थान में इससे बदल जाएंगे सभी समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी की रणनीति पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जाट नेता हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन कर बीजेपी के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। राज्य के 25 में से कांग्रेस इस बार 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीकर की सीट वो पहले ही वाम दल के लिए छोड़ चुकी थी और अब नागौर की सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी गई है। कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। सीकर और नागौर दोनों ही कांग्रेस के गढ़ हैं, लेकिन इस बार उसने ये सीट सहयोगी दल को दे दी है। इसका फायदा कांग्रेस को जयपुर ग्रामीण, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़
और जैसलमेर बाड़मेर में मिलना तय माना जा रहा है। जोधपुर सीट पर भी बेनीवाल का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए आधा दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। आरएलपी और वाम दलों का 50,000 से 1 लाख वोट भी अगर कांग्रेस के पक्ष में ट्रांसफर हो जाता है तो बीजेपी के लिए राज्य की सभी 25 सीट जीतना तो दूर, 15 सीट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे चर्चा इस बात की भी चल रही है कि कांग्रेस डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप के लिए छोड़ सकती है। यहां से हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। राजस्थान में कांग्रेस की रणनीति ने बीजेपी को हैरान कर दिया है तो यूपी में मायावती की रणनीति ने इंडिया गठबंधन को हैरान कर दिया है। बीएसपी ने यूपी के 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इस सूची से इंडिया और एनडीए दोनों ही मुश्किल में दिख रहे हैं। तो किसे दिया है बीएसपी ने टिकट, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ इंडिया गठबंधन पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को साधने में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ बीएसपी चीफ मायावती इंडिया गठबंधन को ही अपने निशाने पर लिए हुए हैं। बीएसपी चीफ की कोशिश थी कि बीजेपी विरोधी वोट उनके पाले में आ जाएं, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। 2019 में सपा से गठबंधन कर बीजेपी के जो 10 सांसद चुनाव जीते थे वो भी पार्टी छोड़ गए हैं। इस बीच बीएसपी ने यूपी में 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीएसपी की लिस्ट में 7 मुसलमान हैं, यानी 40% से भी ज्यादा उम्मीदवार बीएसपी ने मुस्लिम बनाए हैं, लेकिन बीएसपी की कोशिश उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीएसपी पर पहले ही बीजेपी का सहयोग करने का आरोप लगाया जा रहा था और जिस तरह से मायावती की पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उससे मैसेज जा रहा है कि वो विपक्ष के वोटों में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीएसपी को ही उल्टा बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा चुनावों में भी मायावती ने करीब 100 मुसलमान उतारे थे लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिल पाई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी मायावती का दांव बेकार जाएगा, इसकी सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। जिन सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं उनमें सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला और पीलीभीत शामिल हैं। और बुलेटिन के आखिरी में बात ज्ञानवापी विवाद की। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 1 अप्रैल की तारीख दी है। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग मान ली है। तो क्या थी मुस्लिम पक्ष की मांग और क्या है कोर्ट का फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच का ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट अब मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि मस्जिद के तहखाने में पूजा, मस्जिद वाली जगह मंदिर होने का दावा और ASI सर्वे से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो, जिस पर हाईकोर्ट ने पहले इनमें से 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा मस्जिद वाली जगह मंदिर होने का दावा और ASI सर्वे पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को मंजूरी दे दी है और मामले में अब 1 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें, हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पहले वहां भगवान शिव का मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी और उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ शुरू कर दी। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और मामले में तनाव बढ़ता गया। हालांकि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पूजा पाठ के विरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर नए सिरे से सुनवाई होगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB Live। नमस्कार।